नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सांगवान एक बार फिर आया हूं आप लोगों के सामने एक मज़ेदार वीडियो के साथ। और आज हम पहुंचे हैं कलसुबाई, जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के अंदर है। कलसुबाई के ऊपर, चोटी के ऊपर आज हम पहुंचे हैं। रात को 3 बजे हम चले थे और सुबह 7:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, जो कि 5500 फीट की ऊँचाई पर है और 6.6 किलोमीटर है पूरा, जो कि बहुत मज़ा आता है चलने में। पूरी रात हमने ट्रैकिंग की है और आज मैं पूछने जा रहा हूँ हमारे बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं यहाँ पे, उन सब लोगों से कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। और मतलब लड़कियाँ भी इतनी सारी हैं, जितने नेशनल एंथम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं देखिए, चलिए मैं पूछने जाता हूँ दोस्तों से। सो, ये दोनों मैडम यहाँ आई हैं आज सुबह सुबह। मैं इनसे पूछना चाहूँगा, आप लोग कितने बजे चले थे अपने नीचे से ट्रैकिंग करने के लिए? 5:20 पे। और दो, हमने कैंपिंग साइड यहाँ पे था तो रात में स्टे किया हमने 12:30, एंड देन फिर अभी सुबह उठे 6 बजे और यहाँ वापस यहाँ कल सुबह के लिए ट्रैक किया नीचे से। कल सुबह मतलब कल निकले थे हम शाम को, और शाम को यहाँ पे पहले बारी गाँव में आए और फिर हम कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद मतलब स्टार्ट किया। तो आई एम रियली एंजॉइंग, मतलब फन भी हुआ। बहुत लोग थे जो मतलब नहीं आ रहे थे, उसको धक्का दे दे के यहाँ पे पहुँचा है, वो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। अच्छा, आपके दोस्त जैसे आते नहीं है आलस के मारे, मेरे से नहीं चढ़ा जाएगा भाई? और सबसे बड़ा मतलब रात को यहाँ पे रहना, मतलब टेंट में। और यहाँ का इतिहास भी मतलब जो है, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। मैंने पुजारी का वीडियो बनाया तो उसको पूछा मैंने कि आप यहाँ पे कितने साल जाके आए, तो बोले माता है वो स्वयं प्रकट हुआ है और 400 साल पुराना है ये मंदिर। और वो जो पुजारी है वो तकरीबन 15 साल से डेली आता है। कई लोग हैं जो एक बार, बहुत लोग हैं जो हमारे साथ थे, आधे से नीचे लौट गए और ये बंदा डेली आ रहा है यहाँ पे माता को पूजा का। सो हैट्स ऑफ है वो बंदे को, बहुत बड़ी बात है पुजारी जी को, जो कि 15 साल से वो डेली आ रहे हैं। और जैसा कि इन भाई ने बताया कि 400 साल पुराना ये मंदिर है। कैंपिंग वहाँ पे बॉनफायर लगाते हैं और कैंप्स होते हैं अलग अलग, दो दो तीन तीन लोग रुकते हैं कैंप पे। रेट वगैरह कितना होता है? रेट हमारा पूरा पैकेज 1300 गया था पर पर्सन। पर पर्सन 1300 पैकेज था। हाँ प्लीज। लंच एंड ब्रेकफास्ट अभी इंक्लूडेड था, इवनिंग स्नैक्स भी। बस लंच जो स्टार्टिंग से हम आए थे CST से उसमें अलाउड नहीं था, बाकी डिनर एंड देन इवनिंग स्नैक और अभी ब्रेकफास्ट मिलेगा। एंड वी गो बैक टू द सम लेक आल्सो टू सी। तो खाना वगैरह अच्छा था? खाना अच्छा था, फिर भी आप पतले लग रहे हो। इतना ऊपर चढ़ के आई है ना, इसलिए आगे पहले आना था तो पहले मैं भाग के आई हूँ। तो आपको ट्रैकिंग पसंद है? मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत पसंद आया। नाइट ट्रैकिंग, मजा आया? कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला? बहुत अच्छा लगा। कितनी बार आप बैठे हो, कितनी बार आपने रेस्ट लिया? 5 बार। 5 बार, ओके। 4-5 बार। कितना किलोमीटर है आपके अकॉर्डिंग? 6, मैंने सुना है 6 है, मुझे नहीं पता। बस चलते जाओ, चलते जाओ जहाँ मिले। वो नहीं पूछा मैंने। एक दिन तो ऐसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाओगे ऐसे चलते चलते। उतरने के बाद पूछूंगी कितना था। तो आपको क्या लगता है, उतरना हार्ड होगा या चढ़ना हार्ड होगा? मैंने सुना उतरना हार्ड है, मतलब थोड़ा स्लिप होता है उतरते टाइम। तो मतलब इसके पहले भी आ चुकी हूँ। नहीं, मेरा तो फर्स्ट टाइम है। तो आपको ऐसे कोई ऐसे फ्रेंड फ्रेंड नहीं मिला जिसको धक्का मार के चल रहे भाई चल यार? और कोई नया एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे कल सुबह के बारे में? नया एक्सपीरियंस लाइक इसके पहले मैंने लाइक नॉर्मल डे ट्रैक किया था, तो अभी नाइट ट्रैक से लाइक सनराइज एंड ऑल बहुत अच्छा था। मतलब पहले तो इस मैम को भाई थैंक यू बोलना चाहूंगा, ये दूसरी बार आ रही है, ये बहुत हिम्मत की बात है। मेरी खुद की हिम्मत नहीं है दूसरी बार आने की, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं भी नहीं आऊंगी अभी बहुत टाइम तक। कल सुबह आप कितने बजे चले थे? एक्चुअली हम लोग कल सुबह मतलब 10 बजे निकले थे ट्रेन से, हम लोग आए लाइक कसारा, हम लोग ने उतरे, फिर हम लोग वहाँ से जीप में बैठ के यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग पहुँचे 3:30 तक। देन वी हैड अ ब्रेकफास्ट एंड ऑल, नाश्ता वगैरह किया और फिर हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट किया 5:30, बट हम लोग यहाँ पे 9 o'clock तक पहुँचे। थोड़ा नाइट ट्रैक करना डिफिकल्ट था बट अच्छा लगा। आपने कैंपियन वगैरह लिया था मतलब? हाँ, है ना। तो कैंपियन अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर डायरेक्ट आओ, जैसे कुछ लोग हैं रात को 3 बजे चल के डायरेक्ट सीधा आ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग ने 15 अगस्त को आए थे ना, तभी हम लोग डायरेक्ट सुबह आए थे और हम लोग ने फ्लैग होस्टिंग किया, तो हम लोग नीचे चले गए थे। दैट इज मच मोर बेटर, बट एक्सपीरियंस इज अनदर थिंग। इतना तो ब्राजील का प्रधानमंत्री नहीं करता, आप 2 ही दिन आते हैं यहाँ 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मजा आता है यार, एक्सपीरियंस नाम का चीज होता है कुछ। ये भाई टक्कर है कांग्रेस को बोल रहा हूँ, अच्छा नेता चाहिए तो इनको ले लो मोदी के टक्कर में। ये सिर्फ 2 ही दिन यहाँ पे आते हैं, 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। ये कौन सा हुआ रिपब्लिक डे? कौन सा हुआ रिपब्लिक डे? जनरल नॉलेज वाला कुछ नहीं पूछना, पहले ही बोल रही हूँ। कांग्रेस कैंसिल, मत लेना।
तो आप यहाँ आए, आप मैं जानना चाहूँगा आप कितने बजे चले और कब यहाँ पहुँचे? हम लोग रात को 12 बजे निकले। हम लोग, हमारा बीच में मन किया कि हम लोग रास्ता घूम गए, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शिरडी चले जाएं, बट ठीक है, हम लोग हिम्मत करते करते थक हारते आए ऊपर। हमसे झूठ बोला गया कि हम कि 3 किलोमीटर का रास्ता है, बट ये डबल से भी डबल था। अच्छा, जो आपके साथ आ रहे थे उन्होंने झूठ बोला आपको? हाँ। तो अच्छी बात है ना ये, तो उन्होंने आपको मोटिवेट करने के लिए झूठ बोला होगा। इतना ऊपर चढ़ने के लिए कौन झूठ बोलता है। तो शिरडी साईं बाबा कहाँ, वो जमीन पे रहते हैं, और ये कलसू भाई एकदम हाइट पे, जो कि 5500 फीट की हाइट पे है, इतना मोटिवेशन मिला कहाँ से आपको? उस झूठे इंसान से। इनको भाई कोई भड़ास है उस इंसान से, मुझे नहीं पता जो भी है, लेकिन खतरनाक वाली भड़ास है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा था, बट मैं थक गई बहुत। तो अब नीचे उतरने की तैयारी है या फिर यहीं पे बोरिया बिस्तर डाल के सो जाने का? देखते हैं। चलो ओके, और कुछ बोलना चाहोगे आप? I hate that guy. चलो भगवान भला करे उस इंसान का। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, ये दूध की बोतल लेके चले होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकंड टाइम मेरा, एटलीस्ट आई एम अ फर्स्ट टाइमर। भाई ये 2 साल की तो लगती है, और सेकंड टाइम भी हो गया इसका। ओके, जस्ट किडिंग। हाँ, मतलब कैसा लग रहा है, कितने बजे चले, कैसा है? बट ये फर्स्ट टाइम नाइट ट्रैक था, तो अच्छा था। सनराइज वी स्टार्टेड एट 3 AM एंड फ्रॉम द बेस, एंड वी रीच हियर एट 6:45 सो आपने देखा कि ये 2 बार आए, पहली बार ये दिन में आए थे, तो इनको मजा नहीं आया, तो ये एकदम फील लेने के लिए नाइट। बट वो मॉनसून था ना, तो वो मॉनसून था, अब की बार विदाउट मॉनसून है, तो विंटर आएंगे उसमें भी आओगे आप? यहाँ एक प्लॉट खरीद लो। विंटर में ही आए ना। अच्छा, ये विंटर है, आप शायद नॉर्थ साइड गए नहीं हो, आपको विंटर का पता चलेगा, कोई बात नहीं। और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। दूध भी 2 बार। अभी उनके दूध वाले दांत टूटे नहीं है, लेकिन वो कल सुबह जैसे 6 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं। इधर आके बहुत मस्त लगता है, व्यू भी बहुत मस्त है इधर का। आप यहाँ आए, आपको कैसा लग रहा है, और आप कैसे आए, आप कहाँ से आए? मेरे को महाराष्ट्र नहीं लग रहे शायद। नहीं, मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट और कैमसर से। ओह माय गॉड, भाई ने गांव का नाम भी बता दिया। ओके गुड। तो यहाँ इतनी दूर आप सिर्फ इसके कलसू भाई के लिए आए? नहीं, कलसू भाई के लिए नहीं, एक्चुअली मुझे मेरी दीदी ने बुलाया था यहाँ पे 1 महीने के लिए। okay. वो मुझे सैटरडे और संडे को घुमाते हैं ओनली। okay. और हम कलसू भाई के लिए आज सुबह मॉर्निंग 3 बजे से आए थे। तो सैटरडे संडे को आते हैं, मतलब 5 दिन जॉब करते हैं वो? हाँ, 5 दिन जॉब करते हैं, और बाकी दिन बचते हैं वो काम घर पे काम करते हैं। आप काम करते हो? दीदी बहुत बुरी है भाई इनकी, इनसे रोटी बनवाती है और सैटरडे संडे इनको कलसू भाई की ट्रैकिंग करवाती है, वो बहुत बुरी है। सर, कलसू भाई के बारे में एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, आपका कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? कलसू भाई के लिए हमें 6.5 किलोमीटर के लिए चढ़ना पड़ा है। ये राजस्थानी आदमी, इसने एक एक पैर ना पाओगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ सही 6.5 होगी। और फिर आपने नाइट ट्रैक किया है, तो नाइट अच्छा लगा आपको? हाँ, नाइट बेस्ट, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। तो किसी को सजेस्ट करोगे वो नाइट या डे? मे बी नाइट। नाइट, ओके। सो यू केम हियर कलसू भाई, सो हाउ वॉज योर जर्नी? या इट वॉज ऑसम, अमेजिंग वन, कंपेयर विथ लाइक दिस इज हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, राइट? सॉरी, हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र। हाईएस्ट पीक इन महाराष्ट्र, राइट, राइट, रियली गुड वन। ओके, एंड व्हाट टाइम यू लेफ्ट फॉर दैट? नाउ हियर इन मॉर्निंग, नाउ फ्रॉम मॉर्निंग लाइक 6:30 आई थिंक। We had started our journey in the afternoon there from Kasara. They pick up, there are some camping organizations are here. So they just pick up from Kasara, and from the Bari village, we had started at around 4 o'clock in the evening. So we came here at around 9 o'clock up to the campsite. So we stayed in the camp and then for the sunrise we come up. So guys, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, इन्होंने बोला तो मेरे को याद आया कि हम यहाँ 3 तरीके से आ सकते हैं, एक ट्रेन से, एक बस से, और एक अपने प्राइवेट व्हीकल से। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको कसारा उतरना पड़ता है, और बस से आते हो तो आपको इगतपुरी तक आती है, उसके बाद आप बाय वैन वगैरह या फिर कुछ भी कैब वगैरह लेके आ सकते हो। यहाँ से भी बस आती है, बट लास्ट बस यहाँ से जाने के लिए 6 बजे है। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बस से आए थे, और जाते टाइम यहाँ से बस से गए थे, तो बस यहाँ से 6 o'clock इवनिंग में लास्ट बस है। दिस इज माई 3rd time। तो भाई आप कंडक्टर का काम करते हो? नहीं, I'm not a conductor, I'm a traveler, so. तो मतलब इतना टाइम आपको पता है, कंडक्टर ही बता सकता है कि मैं सुबह 6 बजे आए। जब भी आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो तो आप वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हो, अगर आपको आना कैसे वहाँ से, इफ यू आर गोइंग बाय द लोकल व्हीकल और बाय लोकल कन्वेंस, सो यू हैव टू चेक व्हाट इज द पॉसिबिलिटी। आप पैदा कैसे हुए वो आपको पता है? सारे आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हो ना?
at that time the technology were different. Okay, just kidding. So, एक बात और बताओ, जब आप लोग हिंदी जानते हो तो मेरे से इंग्लिश क्यों बुलवा रहे थे भाई इतनी देर से? उसको हिंदी because of me. I'm from Pondicherry. Okay, good. So you came Pondicherry from only for this? No. For some other purpose. So how was the experience for this trek? No, it was really, really great. Like, you know, we started in the morning, at the night around 1 o'clock. Then we rested, downstairs, and then like morning view and everything was really good. The experience was really good because I personally didn't thought I'll climb such a big highest peak of Maharashtra. And, what do you think? How much calorie you burn? Calories. We aren't thinking on those lines. Haan. We came here for fun and the fact that on the Republic Day we are on the highest peak of Maharashtra in itself is a big thing for us. It is a very, very great experience and a memorable experience we will cherish forever. Exactly. Like otherwise we are at home, sleeping at 11, 12 o'clock. We didn't add any as such experience till now. So it was a great experience, having a trek like this and making it memorable that we did something on a Republic Day. Thank you. Thank you. Thank you.